दीपावली के 2 दिन पहले कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत हो जाती है, जिसमें पहले धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और आखिर में भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरी की पूजा विधि विधान से की जाती है। भगवान धनवंतरी देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन चिकित्सकों के लिए विशेष महत्व रहता है। कुछ समय से इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। जैन धर्म में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान महावीर ध्यान में गए थे और 3 दिन बाद दिवाली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। मान्यता है इस तिथि पर आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण से हर वर्ष धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा निभाई जाती है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन सोने, चांदी, बर्तन, जमीन जायदाद की शुभ खरीदारी करता है, उसमें 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। धनतेरस पर इस बार खरीदारी और पूजा अर्चना करने के लिए कई शुभ और विशेष फल देने वाले मुहूर्त बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं, इस वर्ष ये त्योहार 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस खरीदारी मुहूर्त शाम 6:18 से लेकर रात के 8:11 तक रहेगा। धनतेरस पर शुभ खरीदारी की अवधि 1 घंटे 52 मिनट की है। धनतेरस का पर्व धन और आरोग्य से जुड़ा हुआ है। धन के लिए इस दिन कुबेर की पूजा की जाती है और आरोग्य के लिए धनवंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस की पूजा विधि इस प्रकार है। धनतेरस की शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धनवंतरी भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय सबसे पहले चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब गंगा जल छिड़क कर भगवान धनवंतरी, माता महालक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। भगवान के सामने देसी घी का दीपक, धूप और अगरबत्ती जलाएं। अब देवी देवताओं को लाल फूल अर्पित करें। अब आपने इस दिन जिस भी धातु या फिर बर्तन या ज्वेलरी की खरीदारी की है, उसे चौकी पर रखें। लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और कुबेर स्तोत्र का पाठ करें। धनतेरस की पूजा के दौरान लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करें और मिठाई का भोग भी लगाएं। कुबेर देव को सफेद मिठाई और भगवान धनवंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम ह्रीम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें, फिर धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नव विवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है
जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सुनो, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं।